भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुए पहले मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। 211 रन बोर्ड पर लगाने के बावजूद टीम इंडिया ने इस मैच को 7 विकेटों से गंवा दिया। मैच के बाद पोस्ट मैच सेरेमनी में ऋषभ पंत ने भी ये बात स्वीकारी कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों को आउट प्ले कर दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो भारत की टीम घोषित हुई है उसके बारे में बात करते हुए मोहम्मद कैफ ने कुछ सवाल उठाए। मोहम्मद कैफ को इस टीम के स्पिन गेंदबाजी खेमे में कुछ कमी नजर आ रही है। उनके मुताबिक भारतीय स्पिन गेंदबाजी में किसी भी तरह की वेरिएशन नहीं है। इसके साथ साथ कैफ ने टीम में रविचंद्रन अश्विन की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाया। कैफ ने कहा कि साउथ अफ्रीका और भारत दोनों की ही टीम्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन टीम इंडिया का अगर आप स्क्वाड देखेंगे तो उसमें चहल, बिश्नोई और अक्षर पटेल हैं। आप तीनों लेग स्पिनर्स को कहां खिलाएंगे? अगर आप टीम का बैलेंस देखेंगे तो आप तीनों स्पिनर्स को फिर नहीं खिला सकते। इस टीम में अश्विन का नाम नहीं देखकर मैं थोड़ा सा निराश हुआ। रविचंद्रन अश्विन 2021 में हुए T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे और उनका करंट फॉर्म भी अभी जबरदस्त चल रहा है। अगर मेरे पास मौका होता तो मैं तीन लेग स्पिनर्स में से किसी एक को हटाकर अश्विन को मौका देता। इसके चलते स्पिन गेंदबाजी में थोड़ी सी वेरिएशन भी मौजूद होती। अश्विन अभी गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, वो बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस टीम में तीन लेग स्पिनर्स की जगह नहीं बनती। इस मैच में हार के साथ ही टीम इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सपना भी टूट गया और इस मैच में साउथ अफ्रीका ने जीत के साथ इस 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली। खैर फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। बाकी इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए आप खबर विभाग को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन का बैल बजाना मत भूलिएगा।